अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, एक दो लोग और ज्वाइन कर लें तो फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। एक तो सवाल रहते हैं डीएसए के, उन्हें कर लेते हैं, उसके बाद जो है एनएसए स्टार्ट करेंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लीमेंट का टॉपिक समझा दिया था आपको डीएफए के, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और हैं इसी तरह के, वो कर लेते हैं फिर जो है एनएफए स्टार्ट करेंगे। मतलब फर्स्ट मीटिंग में जो है वो डीएफए ही चलेगा, लेकिन सेकंड मीटिंग में जो है वो एनएफए शुरू हो जाएगा। Every A should followed by a B. Every A should followed by a B. Simple language है, पहले language समझ लिया। मैंने आपसे हर क्लास में यही कहता हूँ, पहले language समझ लिया करें, उसके बाद क्वेश्चन पे डिटेल में बात करा करें। तो देखिए, ये कह रहा है कि आपके स्ट्रिंग में अगर A आता है तो उसके बाद लाजमी B आना चाहिए। आसान अल्फाज में क्या है कि अगर A आता है तो उसके बाद लाजमी B आना चाहिए। अगर ए नहीं आता तो जो आ रहा है आ जाए, समझ रहे हैं। अगर ए नहीं है तो बी जितने आना चाहे, समझ रहे हैं मेरी बात। अगर ए नहीं है तो एप्सिलॉन जो होता है उसके अंदर, अगर ये ए आता है तो बी आना चाहिए। तो जब ए है ही नहीं तो बी नहीं है, कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ बी इज वैलिड। अगर ए होगा तो बी आना चाहिए। अभी मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूँ जब ए है ही नहीं, तो जब ए नहीं है तो आने तो बी को जितना आना चाहिए। लेकिन अगर ये आ जाता है, फर्ज करें ये हो गया, तो इसके फौरन बाद कम से कम एक भी आना चाहिए, दो भी आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आ गई लैंग्वेज?
दिस इज नॉट अबाउट कि स्टार्टिंग में ए आएगा लास्ट में ए आएगा. आपको जब भी ए आएगा उसके फौरन बाद लैंग्वेज में क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए. समझ में आई ये बात? ठीक है, जब भी ए आएगा उसके बाद बी आना चाहिए. आसान अल्फाज में दो ए एक साथ नहीं आ सकते. यही बात हो गई ना कि दो ए एक साथ नहीं आ सकते. मतलब सवाल को लिखने का तरीका है, आप जैसे समझना चाहें समझ लें. तो हमने ये कर लिया. अब हम देखें, हमने कहा सर देखें हमारे काम का बी तो है नहीं, और जब एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है तो इनिशियल स्टेट को फाइनल बना दें. जब एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है तो इनिशियल स्टेट को फाइनल बना दीजिए, और जब सिर्फ बी भी एक्सेप्ट हो रहा है तो यहीं खड़े रहते हैं कि अगर बी आता है तब भी एक्सेप्ट हो जाए. इस क्वेश्चन के अंदर जो मेरे काम की चीज है या जो आपके काम की चीज है वो क्या है, ए. और जो कि बी भी जरूरी है, लेकिन हम ये कर रहे हैं कि बी आने पे हमें फर्क नहीं पड़ रहा. फर्क पड़ने का मतलब ये होता है कि हम अपनी स्टेट चेंज करेंगे या नहीं करेंगे. ऑल दो के उसे एक्सेप्ट तो कर सकते हैं लेकिन अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रहे. अब अगर हम बी देखते हैं तो भैया, लेकिन जहां हमें ए मिलेगा तो इट माइट बी पॉसिबल कि शुरू में मिल जाए, इट माइट बी पॉसिबल कि काफी सारे बी देखने के बाद मिल जाए. इन एवरी केस हम इनिशियल स्टेट में, तो जैसे ए मिलेगा हम अपनी पोजीशन चेंज करके ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ भाई हमें ए मिल गया है, सही ना. तो इतना जो क्वेश्चन मैंने किया है इसमें मेरे पास जब तक बी आते रहेंगे मैं इनिशियल स्टेट पे खड़ा हूंगा एक्सेप्टिंग में. जहां मुझे पहला ए मिलेगा मैं फौरन बी पे चला जाऊंगा, ये इस बात की गारंटी है कि मैंने ए देख लिया है. ऐसा ही है, ये इस बात की गारंटी है कि मैंने ए देख लिया है. तो अब अगर मैंने ए देख लिया है तो मेरी कंडीशन क्या है कि ए के फौरन बाद क्या आना चाहिए, बी. तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं कि ए के फौरन बाद या तो बी आएगा या ए आएगा. अगर ए के फौरन बाद बी आता है तो क्या करना चाहिए, और अगर ए के फौरन बाद ए आता है तो क्या करना चाहिए. अगर ए के बाद ए आता है तो क्या करना चाहिए बेटा, बी आया अगर ए पर तो वहीं तो खड़ा हूं. बिल्कुल अच्छा, आप आंसर बता रहे थे. अगर ए के बाद, अगर ए के बाद ए आया तो देखें, पहले तो मुझे बताइए अगर ए के बाद बी आया तो मुझे वापस जाना चाहिए, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि अगर ए के बाद बी आता है तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा. अगर ए के बाद बी आया तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा, सही है ना. लेकिन अगर ए के बाद ए आया तो मुझे क्या करना चाहिए, कंडीशन खत्म हो जाएगी ना, वैलिडिटी जाएगी, तो मुझे क्या करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए. तो अगर ए के बाद ए आया तो मैं इसको डेड स्टेट पर ले जाऊंगा. डेड स्टेट का मतलब ये है कि इसके बाद कुछ भी आया वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. अगर ए के बाद ये आ गया तो मैं इसको डेड स्टेट पर ले जाऊंगा कि उसके बाद कुछ भी आया मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा. तो लॉजिकली अगर आप देखें तो ए के बाद मेक श्योर कर रहा है कि बी आए, और देखें उसको फाइनल पे लेके जा रहा है. उसके बाद अगर एक बी के बाद और भी आ जाए तो वहीं खड़ा रहेगा, कोई मसला नहीं है. लेकिन जैसे ए आएगा अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ताकि भाई हर ए के बाद उसको क्या मिल जाए, बी मिल जाए. उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. कोई सवाल तो नहीं है इसमें, मैं इसको डबल बी कर रहा हूं. अब देखिए डबल बी का मतलब ये होता है कि मोर देन वन कैरेक्टर है बेसिकली. तो अगर हम इसके स्ट्रिंग लिखें, सॉरी डबल बी नहीं कर रहा, पहले में कर रहा हूं, शुड नेवर नेवर फॉलोड बाय अ बी. मैं जरिए आप समझा नहीं, पूछिए आगे चल के भी तो ए भी साथ हो सकते हैं. ए के बाद बी तो आ सकता है, ए के बाद ए नहीं आ सकता. अगर दो ए एक साथ आ गए कहीं पर भी तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया. उसके बाद जितने भी आए वो ये थोड़ी बोल रहा है कि कितनी दफा ए के बाद बी आ रहा है ये बताओ. वो तो ये कह रहा है पूरे स्ट्रिंग के अंदर जब भी ए आए उसके बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए. क्लियर हुई बात?
लास्ट तक यार अभी तक शायद लास्ट तक चेक तो हम करते ही हैं, लेकिन हम उसको डेड स्टेट पे ले गए। सर वो ये नहीं कह रहा, वो ये नहीं कह रहा भैया कि आपका ए के बाद बी जो आ रहा है वो कितनी दफा आ रहा है। समझ में आई मेरी बात या कंफ्यूजन है? और अजीम आप क्या कह रहे हैं? आप नेक्स्ट क्वेश्चन समझा रहे हैं? मैं बताता हूं। अब ये देखें, पहले तो आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। ये सवाल दूसरा क्या है इसको देख लीजिए। एवरी ए शुड नेवर बी फॉलोड बाय अ बी, एवरी ए शुड नेवर बी फॉलोड बाय अ बी, सही है? एवरी ए शुड नेवर फॉलोड बाय अ बी। पहले तो हम इसकी स्ट्रिंग लिख लेते हैं। अगेन वेरीफाई कीजिए क्या इसमें एप्सिलॉन आएगा या नहीं आएगा। वेरीफाई कीजिए कि इसमें एप्सिलॉन आएगा या नहीं आएगा। आएगा ना? आएगा बेटा, आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ए नहीं है तो बी नहीं आ रहा, या बी आ रहा है, कोई कंडीशन ही नहीं है वाली। इसका मतलब है क्या ये एक्सेप्ट होंगे सारे? ओनली ई ए वाले सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगे क्योंकि इसके बाद बी नहीं आ रहा। ओनली बी वाले सारे एक्सेप्ट होंगे? ओनली ए और ओनली बी वाले तो सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे क्योंकि कंडीशन ट्रू हो रही है कि भाई ए के बाद बी नहीं आ रहा। अब आ जाए मिक्स वाले पे कि दोनों अगर मिक्स होते हैं तो देखिए लॉजिक क्या है। बी आया, ए आ गया, फिर बी आया, ए आ गया, बी ए। क्या समझ में आ रहा है तीन स्ट्रिंग से? अगर ए आ गया तो उसके बाद बी नहीं आएगा, तो कौन आ सकता है? ए के बाद ए आ सकता है, तो लॉजिक क्या बन रही है कि भाई पहले बी आ सकते हैं बाद में ए आ सकता है, ऐसा ही है ना? क्या इस सवाल की लॉजिक ये नहीं बन रही कि पहले बी आ सकता है बाद में ए आ सकते हैं? अब हम इसका डिजाइन कर लेते हैं। तो देखें हम डिजाइन कैसे करेंगे। हमने कहा एप्सिलॉन तो सर एक्सेप्टेबल है, गौर से देखिएगा, एप्सिलॉन तो सर एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल एप्सिलॉन तो एक्सेप्टेबल है। चलो सही भाई, एक्सेप्टेबल, आगे क्या करना है? अब सर बी आता है तो हम यहीं खड़े रहेंगे भाई। क्यों सर? क्योंकि सर बी हमारे काम का नहीं है, हमारे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है? ए की। तो हमारा फोकस ए पर है, बी पे हमारा डिसीजन नहीं है। हमारा डिसीजन किस पर? ए पर है। हमारा डिसीजन जो है वो बी पर नहीं है, हमारा डिसीजन किस पर? ए पर है। जैसे ए आएगा हम अपनी पोजिशन चेंज करेंगे, और चूंकि सिर्फ ए भी एक्सेप्ट हो सकता है तो हम इसको भी फाइनल बना देंगे। और से देखिएगा, इतना क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन में मुझे बताइए क्या सिर्फ बी एक्सेप्ट हो रहा है? क्या सिर्फ बी एक्सेप्ट हो सकता है? बहुत सारे बी एक्सेप्ट हो सकते हैं। क्या सिर्फ ए या बहुत सारे ए एक्सेप्ट हो सकते हैं? क्या सिर्फ ए या बहुत सारे, क्योंकि इनिशियल से कनेक्ट है। क्या बहुत सारे बी के बाद बहुत सारे ए एक्सेप्ट हो सकते हैं? तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या रहता है? डेड स्टेट। अगर ए के बाद बी आ गया तो उसको डेड स्टेट भी रहेगी। क्लियर? सवाल है इसमें,
अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि भाई हर ए के बाद कम से कम एक डबल बी का पैटर्न आना चाहिए, हर ए के बाद कम से कम एक डबल बी का पैटर्न आना चाहिए, हर ए के बाद कम से कम एक डबल बी का पैटर्न आना चाहिए, ठीक है। तो इसके स्ट्रिंग लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन की तरह, लेकिन डबल बी का पैटर्न, तो सिर्फ एप्सिलॉन एक्सेप्ट होगा, सिर्फ बी वाले तमाम एक्सेप्ट होंगे, लेकिन अगर ए आ गया तो कम से कम उसके बाद डबल बी आएगा। ठीक है, अगर ए आ गया तो उसके बाद कम से कम एक डबल बी का पैटर्न आएगा। ठीक है, जब भी ए आ रहा है उसके बाद डबल बी आ रहा है, तो अगर शुरू में बी आ रहा है कोई मसला नहीं है, तो वैसे ही क्वेश्चन की तरह करते हैं, लेकिन अब आपका पैटर्न जो है वो ए डबल बी, अगर ए आ गया तो उसके बाद सिर्फ बी चेक नहीं करना, डबल बी चेक करना। तो देखें वही क्वेश्चन की तरह करते हैं इसको, फिर इनिशियल स्टेट बनाई, एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है और सिर्फ बी एक्सेप्ट हो रहा है, एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है और सिर्फ बी एक्सेप्ट हो रहा है, इतना समझ में आ गया। अब हमारा डिसीजन किस चीज पर है, स्मॉल ए पर, तो हम स्मॉल ए पे अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, अब जैसे ही स्मॉल ए आया तो हमें दो बी चाहिए, दो बी, अगर एक बी चाहिए होता तो हम इधर चले जाते, लेकिन हमें मेक श्योर करना है कि दो बी आए, तो हम एक बी याद रखेंगे और सी पे चले जाएंगे, और अगर इसके बाद दोबारा से बी आता है तो कहां चलेंगे, वापस, अगर इसके बाद दोबारा से बी आता है तो वापस कहां चले जाएंगे। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इतनी लॉजिक समझ में आई, ए बी बी, इसका जितने भी बी आ रहे हैं ए बी बी, जब भी ए आ रहा है उसके बाद दो बी का पैटर्न उसको फाइनल पे लेके जा रहा है, इतना समझ में आया। आगे ना समझ में इतना, अब मुझे बताइए आपका पैटर्न कब ब्रेक हो सकता है, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, हो सकता है आपको ए के बाद ये मिल जाए, हो सकता है आपको ए के बाद ये मिल जाए, या इट माइट बी पॉसिबल आपको ए बी के बाद ये मिल जाए, तो आपका पैटर्न दो जगह पे ब्रेक हो सकता है, समझ रहे, दो जगह पे डेड स्टेट करेक्ट होगी। ये देखिए ये डेड स्टेट है, मैं डेड स्टेट पहले बना रहा हूं, ये डेड स्टेट बना दी मैंने, अब डेड स्टेट देखिए दो जगह से कनेक्ट होगी, अगर ए के बाद ए आता है तब भी कनेक्ट होगी, और अगर ए बी के बाद भी ए आता है तब भी वहां से कनेक्ट होगी, समझे। अगर ए के बाद ए आता है तब भी वहां से कनेक्ट होगी, और अगर ए बी के बाद ए आता है तो भी वहां से कनेक्ट होगी। देखिए जब आपका जो पैटर्न है वो दो लोगों से ज्यादा का होता है, जैसे मेरा नाम है उस्मान, तो उस्मान में ना ये देखें, ये पूरा पैटर्न आपको चेक करने के लिए, अगर यू के बाद एस नहीं आएगा तो डेड स्टेट आ जाएगी, एस के बाद अगर एम के अलावा कुछ और आएगा तो डेड स्टेट, एम के बाद ए आएगा तो डेड स्टेट, ए के अलावा कुछ आएगा तो डेड, और ए के बाद अगर एन के अलावा कुछ आएगा तो डेड स्टेट, समझ रहे। तो ये चार डेड स्टेट कनेक्ट होंगी, यहाँ पर भी लॉजिक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, आई होप कि समझ में आ गया होगा। सही है, एनी क्वेश्चन, इसका नेवर वाला भी कर लेते हैं, नेवर नेवर फॉलोड बाय बीबी, स्ट्रिंग लिख लेते हैं, एप्सिलॉन आएगा, सिर्फ ए आएंगे, सिर्फ बी होंगे एक्सेप्ट, लेकिन जब दोनों एक साथ आएंगे तो क्या होगा, लिख देता हूं एक दो, लेकिन दोबारा देखिए, ये कह रहा है कि ए के बाद दो बी नहीं आ सकते, तो एक तो आ सकता है ना,
सही समझ में आया? ए के बाद दो भी एक साथ नहीं आ सकते, स्ट्रिंग समझ में आए? कौन दो से ज्यादा आ सकते हैं बेटा? जब बी दो से ज्यादा आ सकते हैं, बी क्या पूछ रही है? ऐसे सवाल नहीं पूछा करें बेटा, बुरी बात होती है। आप ये कह रही हैं कि ये पूछ रही है आपके आ सकते हैं, क्योंकि पूछने वाली बात है। क्या तीन में दो नहीं होता? फरमाइए। क्या ये तीन के अंदर दो नहीं आता? समझ में आई बात जी बेटा? हमारी लास्ट वाली स्ट्रिंग बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही थी। कौन सी वाली? ये वाली? इस सवाल में कह रहे हो, पिछले सवाल में कह रहे हो, इस स्ट्रिंग में कह रहे हो? हाँ, ये स्ट्रिंग गलत हो गई मुझसे। हाँ तो ये तो गलत है, ये गलत लिख दी मैंने। अब सही है, सही करवा दें, कुछ और लिखवा दें आप। बी ए ए बी ए ए बी ए ए, अब सही है। ठीक है, डबल भी नहीं आना चाहिए, तो डेफिनेटली तीन भी नहीं आएंगे, वो गलत होंगे। अच्छा जी, ए के बाद नहीं आने चाहिए, वैसे आ सकते हैं, तो ये सही है, ये वाला गलत है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझे बताइए, सिर्फ एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है, सही है, हमने कर दिया, सिर्फ बी एक्सेप्ट हो रहा है। सवाल यही होना चाहिए स्टूडेंट का, जो कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में क्लियर भी कर दिया, कि सर बी को इनिशियल स्टेट से लूप क्यों कर रहे हैं, ए को क्यों नहीं कर रहे? देखिए, ए पे हमारी डिसीजन है, ए पे हमारा पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, हमारा पैटर्न बी से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसलिए इनिशियल स्टेट पे अगर बी मिलता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमें इनिशियल स्टेट पे ए मिलता है तो हमें फर्क पड़ता है। तो इसलिए जैसे ही हमें ए मिलेगा हम क्या करेंगे सर, हम अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। तो जैसे ही ए मिला हमने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। अब सवाल वही है कि सिर्फ ए भी एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो हमने ए को भी एक्सेप्ट कर दिया। अगर बहुत सारे बी के बाद ए आ रहा है तब भी एक्सेप्ट हो रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, इसमें भी कंडीशन ट्रू हो रही है, सही ना? तो ऊपर वाली लाइन में जो तीन तरह के कॉम्बिनेशन है, इनफैक्ट चार, एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट हो रहा है, सिर्फ बी भी एक्सेप्ट हो रहा है, सिर्फ ए भी एक्सेप्ट हो रहा है, सिर्फ ए भी एक्सेप्ट हो रहा है, और बहुत सारे बी के बाद बहुत सारे ए एक्सेप्ट हो रहे हैं, इज इट क्लियर? सही है, यहाँ तक समझ में आ गया? पहली लाइन में जितने स्ट्रिंग है वो सब क्लियर हो गए। अब आ जाएं कि भाई अगर ए के बाद बी आता है तो एक्सेप्ट करना है, लेकिन अगर ए के बाद डबल भी आता है तो एक्सेप्ट नहीं करना। वही वाली बात है जो भी आप लोग मुझसे कर रहे थे, कि ए के बाद डबल भी देखने के लिए पहले ए के बाद सिंगल भी देखना पड़ेगा। तो ए के बाद सिंगल भी देखने के लिए देखे मैं इसको अलग लेके जा रहा हूँ यहाँ पर, और मैं कह रहा हूँ अगर ए के बाद एक भी आता है तब भी एक्सेप्ट करना। ए के बाद अगर एक बी भी आता है तो एक्सेप्ट कर लो, ठीक है ना? अगर ए के बाद एक बी भी आता है तो एक्सेप्ट कर लीजिए आप, लेकिन अगर एक और बी आ जाता है तो आप इसको डेड स्टेट पे ले जाएं।
अगर ए के बाद एक और बी आता है तो आप डेड स्टेट पे ले जाएं, सही है। अब अगेन ये स्टेट कंप्लीट है, कि ये स्टेट कंप्लीट है, इस पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन रहती है। अगर ए बी, ए बी उसके बाद ए आता है तब भी मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए ना। अगर ए बी के बाद ए आता है तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, तो मैं इसको कहां लेके जाऊंगा, यहीं रखूंगा या कहीं और लेके जाऊंगा? बी पर, गुड। ठीक है, बी पर क्यों लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरा पैटर्न जो है वहीं से बन रहा है। कोई सवाल मुझसे पूछेगा सर इसको ए पे क्यों नहीं लेके गए, ए पे इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि वहां बी पे बी का लूप लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल, अच्छा सवाल था, मैं यही जवाब दे रहा था। ठीक है, बी पे इसलिए, ए पे इसलिए लेके गए क्योंकि बी का लूप लगा हुआ है। बी के लूप का मतलब क्या है कि बी अगर दो एक साथ आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ रहे हो? एक तो जवाब ये, एक जवाब तो ये, दूसरा जवाब क्या है कि तुम्हारा पैटर्न क्या है, ए डबल बी रिकॉग्नाइज करना है। ए डबल बी का पैटर्न यहीं से रिकॉग्नाइज हो रहा है, ए डबल बी। अगर तुम यहां ले गए इसे बेटा, तो ये डबल बी यहां पर आ जाएगा और एक्सेप्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी बेटा, आपको क्लियर है ये बात? कोई सवाल है यहां तक तो पूछ लीजिए। तो ये हमारे डीएफए के क्वेश्चन हो चुके हैं, अब मैं आपको एनएफए स्टार्ट करवाऊंगा। अच्छा एक बात गौर से सुन लीजिए कि आज क्विज है, क्विज होगा आपका ऑलमोस्ट 2:45 तक स्टार्ट, और फिर वो क्लास के एंड तक रहेगा। गूगल क्लासरूम आप सबने ज्वाइन कर लिया होगा, अगर गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक जो है फेसबुक के ग्रुप में मौजूद है। अच्छा जी, अब एनएफए समझते हैं। देखें, ये डीएफए है, ये एनएफए, मसाइल सुन ले, आसानियां सुन ले। डीएफए एनएफए दोनों की पावर सेम है। पावर सेम का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू डू सम वर्क, काम करने की सलाहियत। तो जो काम डीएफए कर सकता है वही काम एनएफए कर सकता है। इसके लिए जो काम एनएफए कर सकता है वही काम डीएफए भी कर सकता है, और डीएफए तो दिए रहता मैकेनिज्म जो कि एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर सकता है। एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, एक मेथड है उसके जरिए, और बहुत आसान मेथड। Whenever we talk about some method, तो उसमें basically आपने simple steps apply करने होते हैं जो उस method के होते हैं। This is not about your logical skill कि सर question कैसे solve करना है। Question तो given है, एक डब्बा, एक box दिया हुआ है आपको, एक box दिया हुआ है, उस box पे NFA input दें, वो box से उसका algorithm वो DFA output दे देंगे। इस box को use करना सीख लें बस, सही है? सवाल ये आता है कि एनएफए है क्या चीज। एनएफए बिल्कुल डीएफए की तरह की चीज है, लेकिन मैं पढ़ाने से पहले ये चीज क्लियर कर दूं कि इन दी एंड आपको चाहिए डीएफए। अभी इस जवाब, इस बात का जवाब भी दूंगा मैं आपको। इन दी एंड आपको चाहिए डीएफए, एनएफए बना लें, लेकिन इन दी एंड आपको डीएफए चाहिए। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर मैं इन दोनों का कंपेरिजन करूँ, क्यू नॉट, कैपिटल क्यू, सिग्मा, फाइनल स्टेट, डावा, अगर डीएफए की बात करें तो इफ यू रिमेंबर, जी आवाज आ रही है? अच्छा जी, मीटिंग एंड हो रही है तो आप लोग 2-3 मिनट में 5 मिनट में ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, 5 मिनट में ज्वाइन कर लीजिए।